एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है रियो और केलिया को जो कि एक रूम पर जा रहे होते हैं और हमें इधर पता चलता है रियो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल के और जा रहा होता है और उसका टीचर है केलिया। इधर हमें दिखाया जाता है रॉयल एकेडमी पर सब लोग रियो को देख कर बोलने लगते है ये क्या न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और फिर केलिया बोलती है ये आज ही ट्रांसफर हुआ है इधर और इसका नेम है रियो। सब लोग रियो के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं और इधर दिखाया जाता है रियो याद कर रहा होता है इसके पहले वाले एपिसोड में जब रियो किंग के पास आ चुका था उसके बाद रियो कुछ किंग के साथ बातें करता है और हमें और किंग ने ही उसे रॉयल एकेडमी में जाने को बोला है और इधर वो ये बात सोचकर गुम हो चुका था अपने सोच पर और उसी में केलिया बोलती है रियो को इंट्रोडक्शन देने को केलिया बोलती है और इधर रियो इंट्रोडक्शन देता है कि वो है रियो और फिर वो बोलता है कि मैं इधर सब कुछ सीखने आया हूं मैजिक और जो जो यहाँ पर सिखाया जाता है। एक लड़का उसे कुछ बोलता है जिसके कारण सारी क्लास रियो के ऊपर हंसती है और फिर केलिया रियो को अपने जगह पर बैठने को बोलता है और इधर जब रियो क्लास पर बैठता है उसी समय पर केलिया क्लास को स्टार्ट कर देती है और इधर केलिया सिखाती है और रियो सब कुछ लिखने लगता है और वो भी बहुत ध्यान देकर। इधर सिंचिप तो तैयार हमें दिखाया जाता है रियो एक रूम के आगे आता है और वो नॉक करता है और वो बोलता है कि प्रोफेसर केलिया और वहाँ से अंदर से केलिया बाहर आ जाती है और मुझे बोलने लगती है तुमने क्या ये नोटिस नहीं देखा और फिर रियो केलिया को सॉरी मांगता है और इधर केलिया रियो को अंदर बुलाती है और रियो भी अंदर आ जाता है और रियो को देखने को मिलता है कि केलिया का जो रूम है जो बहुत किताबों से भरा हुआ है वो दोनों यानी कि केलिया और रियो कुछ बातें करते हैं और इधर रियो केलिया के बुक्स को रखने में हेल्प करा और इधर दिखा जाता है शाम को केलिया रियो को कुछ समझा रही होती है और इधर फिर से रियो अपने ख्वाब पर चला जाता है जहाँ पर उसे याद आता है कि वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और फिर केलिया कुछ उसे बोलने से वो फिर से जाग जाता है और इधर केलिया रियो के पेरेंट्स के बारे में पूछती है और इधर रियो बोलता है कि उसकी मॉम जो कि मर चुकी है और फिर कुछ ऐसे बातें करने के बाद वो दोनों चाय पीते है और इधर दोनों चाय पीते है और केलिया पूछती है तुम्हारा वो लोग क्या मजाक करते हैं और इधर केलिया उन लोगों की बातें कर रही होती है जो कि रियो के ऊपर हंस रहे होते हैं लेकिन रियो बोलता है कि उससे कुछ नहीं हुआ और इधर रियो केलिया को कुछ बुक्स मांगता है जो कि उसे पढ़ने में मदद करे और इधर केलिया बोलते है कि तुम लाइब्रेरी से कोई भी बुक उठा सकते हो और इधर सिंचिप तो हमें दिखा जाता है सब लोग लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन रियो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसी जगह पर एक आदमी रियो के साथ लड़ाई के लिए चैलेंज करता है जो कि उन लोगों का टीचर था और इधर रियो जब टर्बा को उठाता है उसे फिर से याद आ जाता है वो जब हारुतो था तब वो और वो ऐसा ही सोचकर उस आदमी को अटैक कर देता है और वो काफी हद तक डोमिनेट करने लगता है उस आदमी को और ये देखकर वो टीचर भी बहुत शॉक्ड हो जाता है और जो लोग उस लोगों को देख रहे होते हैं वो भी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो आदमी बोलता है तुम एक नाइट बन सकते हो और इधर रियो बोलता है उसे कोई नाइट जॉइन में इंटरेस्ट नहीं है और इधर में दिखाया जाता है रियो बहुत बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ रहा होता है। इधर केलिया आके बोलती है तुम्हारा एग्जाम बहुत ही जल्दी आ रहा है और इधर दिखा जाता है उन लोगों के टेस्ट पर जब टेस्ट बहुत हार्ड था और रियो ये टेस्ट बहुत आसानी से दे रहा होता है और इधर में शाम को दिखाया जाता है रियो रॉयल एकेडमी से बाहर आता है और वो सबको देखने लगता है और उसी पर फिर से उसे याद आता है हारुतो का कुछ फीलिंग्स और फिर वो एक जगह पर जाकर हारुतो का चाइल्डहुड याद करने लगता है जहाँ पर उसने एक लड़की के साथ वादा किया था कि वो उसके साथ शादी करेगा और ये बोलता है आपका हारुतो इज डेड यानी कि हारुको तो मर गया है और मैं हूँ रियो हारुतो मैं नहीं हूँ और वो खिड़की के बाहर देखने लगता है और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रॉयल एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बोर्ड के आगे होते हैं और इधर दिखाया जाता है कि एग्जाम्स के रिजल्ट यहाँ पर लगाए हुए हैं और सब लोगों को देखने को मिलता है कि रियो इस बार फर्स्ट आया है और सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और दो लड़के आकर रियो को बोलने लगते हैं तुमने एग्जाम में चीटिंग किया है ना लेकिन रियो बोलता है कि उसने कभी चीटिंग नहीं किया और इसी पर वहाँ पर केलिया भी आ जाती है और वो बोलती है रियो ने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है इसी कारण से उसका रिजल्ट ये है और फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर एक लड़की उसे बोल के जाती है इस बार तो तुम फर्स्ट हो गए लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बीट करूंगी और इसे दिखाया जाता है प्रोफेसर केलिया के रूम पर जहाँ पर रियो चाय पी रहा होता है और केलिया और रियो कुछ बातें करते हैं और फिर प्रोफेसर केलिया पूछते हैं तुम्हारा कोई फ्रेंड है और फिर रियो बोलता है कि आप हो ना प्रोफेसर केलिया और इधर प्रोफेसर केलिया ये देखकर शर्माने लगती है और उसे बोलने लग और फिर इधर केलिया और रियो कुछ देर बातें करते है और इधर में दिखाया जाता है फसल के बाद वो नाइट इधर और इधर नाइट कुछ लोगों को सिलेक्टेड करते है प्राइमरी मिडिल स्कूल के लिए और इधर तीन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पर हारुतो भी था
जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था। और फिर एक लड़का बोलता है कि हम लोग क्या मैजिक यूज कर सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है। और इधर हमें दिखाया जाता है रियो प्रोफेसर केलिया के पास आया है और वो चाय पीने वाला होता है। उसी समय पर केलिया एक बुक को रखने वाले होते लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही थी और इसी कारण से रियो उस बुक को रख देता है। और हमें पता चलता है कि केलिया से रियो बहुत बड़ा हो चुका है। और फिर केलिया और रियो चाय पीते हैं और फिर रियो बोलता है कि मैं एक और अलग मिडिल स्कूल पर जाने वाला हूँ। और उसी समय पर केलिया बोलती है कि क्या तुम इस कंट्री को छोड़ने वाले हो। और फिर रियो और केलिया इस बातें में कुछ के ऊपर कुछ बातें करते हैं और रियो और केलिया कुछ देर बातें करते हैं और हमें दिखाया जाता है वे अपनी मॉम को याद करने लगता है। हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक जगह पर इधर एक चैलेंज हो रहा था और रियो पहले आता है। एक लड़का रियो को बोलता है हार के मत आना। और इधर केलिया भी दिखाई पड़ती है जहाँ पर वो बोल रही होती है रियो को जीत कर आना। और इधर रियो का जो चैलेंजर था वो है जो कि आप लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में दिखा था जो कि रियो को मार रहा था। और उस आदमी और रियो के बीच में लड़ाई हो जाती है और इधर वो आदमी भी रियो को काफी हद तक डोमिनेट करने लगता है। और उसी समय पर ही जब वो आदमी अपना मेन अटैक करने वाला होता है उसी समय भी वो नाइट जो कि रियो का टीचर है वो बोलता है अभी। और उसके बोलने से ही उस आदमी का तलवार उड़ जाता है क्योंकि रियो ने उसको हरा दिया होता है। फिर वो आदमी हार जाता है और इधर वो आदमी रियो से हार के बहुत गुस्सा हो गया था। इधर ये देख कर केलिया कुछ भी समझ नहीं पाती लेकिन वो बहुत खुश होती है, ताली बजाने लगती है और रियो वहाँ से चला जाता है। और इधर में दिखाया जाता है वो आदमी शराब खा रहा होता है जो कि रियो से हार गया था। एक अलग सा आदमी के साथ वो शराब पी रहा था जिसने एक आदमी को मार डाला था यानी कि जिसने किडनैप किया था प्रिंसेस को फर्स्ट एपिसोड में, तो आप लोगों ने इसे देखा ही होगा। और इधर सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया जाता है रॉयल एकेडमी पर। इधर दिखाया जाता है प्रोफेसर केली के पास जहाँ पर वो बोल रही होती है रियो इधर आता ही होगा और मैं और रियो सेलिब्रेट करेंगे उसका विन के लिए। और इधर रियो आ जाता है लेकिन वो अलग ही जगह पर जा रहा होता है। रियो एक लड़की के पास जाता है और फिर केलिया भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो लड़की केलिया को एक लेटर देती है और फिर वो बोलती है कि तुम ये लेटर पढ़ लो। और फिर रियो को ये लेटर कुछ समझ नहीं आता। और इधर वो लड़की बोलती है कि कल का मैच जो तुमने खेला था तब तुम बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और वो लड़की रियो के पास एक लेटर रख के वहां से चली जाती है। और इधर दिखा जाता है केलिया ये सब देख कर बहुत शर्मा जाती है क्योंकि केलिया को भी रियो से प्यार हो चुका था। और यही पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर।